फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू ए डिफरेंट डिज़ाइन इन ए रेजिन फोटो फ्रेम. दिस फ्रेम साइज इज 9x12 इंचेस. सो लेट्स स्टार्ट डेकोरेट दिस फ्रेम. सो आई कंप्लीट द फर्स्ट लेयर विद पिंक एंड वाइट कॉम्बिनेशन विद द गोल्डन फ्लेक्स. नाउ स्टार्ट द फाइनल लेयर. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डेकोरेट इट. सो यहाँ मैंने कुछ पिक्स प्रिंट करवाई है. These are pinks for the frame. So these are pics. सिक्वेंस वाइज सेट करना है पिक्स को. एंड द पिक साइज इज 2.5 इंचेस बाय 3.5 इंचेस. सो यहाँ फर्स्ट पिक्स अपन स्टिक कर देते हैं. टिकी टिप लगाने से जो पिक्स होती है वही स्टिक हो जाती है. अप डाउन नहीं रहती है और ना स्टिक हो जाती है यहाँ पे पिक. सो यहाँ मैंने ये सारी पिक्स को स्टिक कर दिया है सीक्वेंस वाइज जहाँ मुझे सेट करना है. पिक्स इसके अंदर आप कितनी भी ऐड कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू. आपको कितने पिक्स रिक्वायरमेंट है आपके फ्रेम में. तो यहाँ मुझे 5 पिक्स की रिक्वायरमेंट थी कस्टमर को, तो यहाँ मैंने 5 पिक्स ऐड किया है. इफ़ यू वांट टू 1 and 2 पिक्स यू कैन ऐड द ओनली 1 and 2 पिक्स ऑल्सो. और इफ़ यू वांट टू 1 ओनली सिंगल पिक्स यू कैन ऐड ऑल्सो सिंगल पिक्स इन ए बिग साइज. सो डिपेंड ऑन यू विच हाउ मच पिक यू वांट इन ए फ्रेम. सो ओके, नाउ यहाँ पिक्स आर कम्प्लीटली हो गया सेट. और यहाँ मैं ऐड करती हूँ कैप्शंस. ये गोल्डन एक्रेलिक कटआउट्स मैंने कट्स करवाए हैं, तो ये कैप्शन लिखना है यहाँ पे. गोल्डन एक्रेलिक कटआउट्स आपको इजीली कहीं ऑनलाइन स्टोर्स में मिल जाएंगे. गोल्ड एक्रेलिक कटआउट से उसका जो लुक होता है वो एकदम न्यू लुक होता है. और अगर आपको अवेलेबल नहीं होता तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू इस एक्रेलिक कटआउट्स. आप कोई भी साइज में और कोई भी शेप में कटिंग करवा सकते हो. इसके ऊपर एक वाइट पेपर होता है, इसको यहाँ से रिमूव करना होता है. एंड लुक एट दिस शाइन. वाइट पेपर हटा देना है और इनको यहाँ मैं लाइट फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ. जस्ट ये स्टिक हो जाए और जब अपन लिक्विड ऐड करें रेजिन का तब ये अपनी जगह पे फिक्स रहे. सो नाउ ये मैंने कम्प्लीटली जो अपना कैप्शन है वो मैंने स्टिक कर दिया है विद द हेल्प ऑफ द फेविकॉल. सो एक बार, क्योंकि छोटे छोटे कुछ वर्ड्स हैं, तो अगर मैं नॉर्मली विदाउट फेविकॉल ये स्टिक करती हूँ तो जब अपन रेजिन ऐड करेंगे तब ये वर्ड्स अलग हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे. तो सीजन से मैंने यहाँ पे हल्का हल्का सा फेविकॉल से की हेल्प से यहाँ मैंने ये सारे कैप्शन को स्टिक कर दिया है. अब अपन इसको डेकोरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रोज फ्लावर्स. तो ये रोज फ्लावर्स हैं, तो जहाँ जहाँ डेकोरेशन करना है वो उस अकॉर्डिंग अपन डेकोरेट कर देते हैं यहाँ पे फ्रेम को. ज़्यादा तो स्पेस नहीं है, अपन ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्नर्स में अपन हेल्प कर पाएंगे. ये टूट गया है तो अपन अकॉर्डिंग वाइट और पिंक का बेटर कॉम्बिनेशन होगा. कुछ फ्लावर्स और लीव्स. यहाँ लीव्स लगा देनी है इस तरह से. फ्लावर से ऐड करते हैं इसके अंदर फाइनल रेजिन. चेक कर लेते हैं. ये मैंने रेजिन मिक्स कर लिया है, रेजिन और हार्डनर को अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए. उसके बाद में उसके पोर करना है फ्रेम के अंदर. तो अभी मेरा मिक्सिंग हो गया है और अब यहाँ मैं मैं फ्रेम के अंदर रेजिन की क्वांटिटी काफ़ी नीड होगी. एवरेज 400 ग्राम 400 to 500 ग्राम तक रेजिन की रिक्वायरमेंट रहती है. ओके, तो अभी भी मुझे काफ़ी रिक्वायरमेंट है रेजिन की, तो मुझे और मिक्स करके और ऐड करना होगा. तो ये मैंने और रेजिन ऐड कर दिया है इसके अंदर. ध्यान से देखना है मोल्ड्स के बाहर भी ना जाए और मोल्ड्स के मतलब
कम भी ना हो, इतनी रिक्वायरमेंट जितनी अपनी रेजिन को रिक्वायरमेंट है उतना अपन को उसको ऐड करना है। तो और यहाँ अब देख लेना है कि कितने एयर बबल्स हैं, तो उनको रिमूव कर लेना है। और ये कंप्लीट हो गया। अब इसको एज इट इज़ यहीं पे रखकर और 18-24 आवर्स तक अपन को उसको कवर करके रख देना है, उसके बाद अपन इसको डिमोल्ड करेंगे। ओके, थैंक यू।